आप कोई बड़ा आर्टिस्ट ले सकते थे, एक ग्रेड आर्टिस्ट को ले सकते थे, तीन जो देव कहे जाते हैं भोजपुरी के, उनमें से किसी को नहीं लिया? सर मैं आपको खुले बता रहा हूँ कि फिल्म बनाने का एक कारण और भी था, जैसे लंदन में भोजपुरी अवार्ड थे तो मैं वहाँ पे गया था गोविंदा जी को लेके, तो पवन सिंह से मेरी बात हुई बेटे को पिक्चर लेने के शुरू करने की, तो पवन सिंह जैसे मैं इंडिया वापस आया तो पवन सिंह ने मुझे, उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो पवन सिंह ने मेरे को घर पे बुलाया, मैं डायरेक्टर से उसके पिक्चर लेके गया, पिक्चर की स्टोरी लेके गया, तो उसने मेरे को अपने कुछ प्राइस उसकी जो भी बात थी नखरे ऊपर नीचे दिखाए सारी बातें बार्गेनिंग चली, उसने मेरे को एक ऐसी बात बोली जो मेरे को बहुत बुरी लगी, उसने कहा पिक्चर तो कर लूँगा भैया, एक्चुअल में ना पिक्चर में बहुत बड़ा रिस्क है, मैं क्या है कहता नए हीरो के साथ काम करना, तो मैं जो एडवांस लेके आया था उसे उठा लिया, मैं उस बंदे की गलती जिसने मेरे को लॉन्च किया था, तो उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैंने पिक्चर बनानी है और उससे बढ़िया तरीके से बना के रिलीज कर ली। देखो मैं फिलहाल तो अपने बेटे को स्टार बनाने में लगा हूँ, और मेरे पास कोई और अच्छा लड़का भी आएगा तो उसको भी स्टार बनाऊंगा, पवन सिंह से कभी फिल्म में बनाऊंगा। आपको लगता है कि पवन सिंह की जगह पर आपका बेटा वो उस जगह पर ले सकता है? पवन सिंह की जगह मेरा बेटा, मैं पवन सिंह की जगह की बात नहीं कर, पवन सिंह ने तो किसी की जगह ली थी ना कभी जब वो आया था, तो वैसे मेरा बेटा राघव की जगह लेगा। और एक्टर आपने अपने बेटे को कैसे देखा, कैसे उन्होंने काम किया? पिता की बात छोड़ दीजिए, प्रोड्यूसर की बात कीजिए। उसको पहले पूरा ट्रेनिंग तो नहीं कराई, और अच्छा उभरता हुआ एक्टर है, वक्त के साथ मैच्योर होगा, और जैसे जैसे आप लोगों से मिलेगा तो उसको दुनियादारी की समझ आएगी, और वक्त के साथ आप लोग गाइड करो और अच्छा चलेगा। अभी तो आपने पहली एक फिल्म की है, एक ही फिल्म आई रिलीज हुई, अच्छा रिस्पांस है, अब आगे क्या करेंगे? दूसरी फिल्म बड़ी जल्दी आपको पता चलेगा, मेरी हैदराबाद में स्टार्ट टू शूटिंग है अगस्त में, और होली पर रिलीज करूँगा। अच्छा ये बताइए मुझे, जैसे बाकी लोगों के जैसे मिश्रा हो गई या फिर राजेश मिश्रा हो गए, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स आपने भोजपुरी में किया, कुछ सोचा था कि ऐसा कुछ करना चाहिए या फिर और बहुत अच्छा गाना बना, बहुत अच्छा पिक्चर है, आप देखो। अब पहली फिल्म आपने की है भोजपुरी फिल्म करने के बाद, अब क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या कह सकते हो इस इंडस्ट्री को, आपने अब तो नजदीक से देखा, बतौर निर्माता देखा? सर जिस दिन भोजपुरी वाले प्रोफेशनल हो जाएंगे ना, ये भोजपुरी इंडस्ट्री सारी रीजनल लैंग्वेज में बराबर करेगी। आपको लगता है भोजपुरी अनप्रोफेशनल है? बिल्कुल लगता है, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है ये, तो कोई दिक्कत नहीं मिली।